गोरखपुर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवध एक्सप्रेस से आगरा ले जा रही 26 लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। गुरुवार को जीआरपी को किसी यात्री ने सूचना दी कि नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से भारी संख्या में नाबालिग लड़कियां कहीं जा रही हैं, जिनका मामला कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। इस पर जीआरपी इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह और आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने तहकीकात शुरू की तो उन्होंने उन बच्चियों पर नजर रखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उन सभी को उतार लिया तथा उन बच्चियों को ले जाने वाले बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण जिले के थाना लौरिया निवासी शेख सफरदर पुत्र शेख इकरामुल हक और थाना मानकपुर निवासी शेख आरा पुत्र शेख इस मोहम्मद से पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि सभी बच्चियां आगरा के जमियातस सहलात मदरसे में शिक्षा लेने जा रही हैं, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो उनके अभिभावकों को बुलाया गया, जिसमें अभिभावकों ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजे जाने की बात की है। फिलहाल पुलिस पूछताछ के लिए सत्यता की जांच में लगी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया। बच्चियों का एक समूह यात्रा कर रहा है, उनके माता पिता साथ में नहीं हैं और दो पुरुष भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इन बच्चियों का ट्रैवल किस प्रयोजन के लिए संदिग्ध हो सकता है, तो इस सूचना को आरपीएफ और जीआरपी की कंबाइंड टीम ने वेरीफाई किया। गोरखपुर जंक्शन पर जब बच्चियों से वार्ता की गई ट्रेन में और जो दो पुरुष ट्रैवल कर रहे थे उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि उनको आगरा में शिक्षा के लिए गुजार रहे थे और लेकिन सभी बच्चियां नाबालिग थीं और इनमें से किसी के भी माता पिता साथ में नहीं थे और न ही माता पिता द्वारा निर्गत किया गया कोई अधिकार पत्र या सहमति पत्र साथ में था, इसलिए गहन जांच किया जाना आवश्यक था। तो तत्काल बच्चियों को महिला पुलिस कर्मियों के साथ गोरखपुर जंक्शन पर जो है उतारा गया। इसके बाद चाइल्ड लाइन और प्रक्रिया के अनुसार सीआरपीसी को सूचना दी गई, बच्चियों के परिजनों को तत्काल बताया गया, संबंधित थाने के माध्यम से भी बताया गया। इसके बाद जो है बच्चियों से वार्ता की गई और बच्चियों को चाइल्ड लाइन को सीडब्ल्यूसी के सदस्य की उपस्थिति में सपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद हम लोग क्योंकि सभी बच्चियां पश्चिमी चंपारण जिले की थी तो वहां के पुलिस अधिकारी से संपर्क किया हमने और क्योंकि ये बताया गया कि बच्चियों को आगरा में शिक्षा के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर भी पुलिस टीम से संपर्क किया, वहाँ पर जाँच की जा रही। हमने अपने यहाँ से भी जो पुलिस अधिकारी हैं उनको दोनों जगहों पर भेज दिया है और ये देखा वहाँ पर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आए हैं उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। जो लोग बच्चों को ले जा रहे थे उनके पास कोई परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड मिला है? देखिए हम सब चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे उसे उठा रहे हैं।